विश्व हिंदू परिषद बैतूल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बैतूल में संचालित बैल बाजार बंद करने की मांग की। बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख विभाग संयोजक कृष्णकांत गावड़े ने बताया कि जिले में संचालित पशु बाजार विहिप के लगातार विरोध के कारण पूर्व में बंद कर दिया गया था, परंतु मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पशु बाजार को फिर से संचालित किया जाने लगा, जिसके चलते बैतूल में गौ तस्कर सक्रिय हो गए, जिसकी लिखित सूचना के माध्यम से प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया कि नए कप्तान के जिले में आते ही बड़े स्तर की कार्यवाही की गई, जिसमें 80 गौवंशों को दलालों से आजाद कराया गया। कृष्णकांत गावंडे, प्रांत गौरक्षा प्रमुख, विभाग संयोजक, नर्मदापुरम। आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से यह संज्ञान में दिलाना चाहते हैं, देने के लिए आए थे ज्ञापन, कि जो गौवंश तस्करी बैतूल जिले में अधिक मात्रा में हो रही है, उसका कारण यहाँ पर जो बैल बाजार संचालित है उसको लेकर के हम ज्ञापन देने आए थे कि बैल बाजार बंद किया जाए, ताकि बैतूल में हो रही गौवंश तस्करी बंद हो, क्योंकि बैतूल जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है और गौवंश तस्करी का अड्डा बन चुका है। भोपाल से, अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर गौवंश आकर के जमा होते हैं और यहाँ से फिर बाजार के माध्यम से गांव में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एकत्र होते हैं और वहां से वाहनों के द्वारा उन्हें महाराष्ट्र में उनकी तस्करी होती है। इसी को लेकर के बजरंग दल यहाँ ज्ञापन देने आया था। दो घटना घटी है। 23 तारीख को कोलगांव के पास में ताप्ती घाट में एक गौवंश का ट्रक पकड़ाया, जिसमें 52 गौवंश थे, जिसमें 2 मृत पाए गए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।